सामना में शिंदे सरकार पर हमला बोला गया है और लिखा गया है कि मौजूदा सरकार उधारी का मामला है। फडणवीस महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करवा देंगे। मराठी मानुष को कमजोर करने का काम करेगी सरकार। बीजेपी ने हमेशा शिवसेना का पैर काटने का काम किया है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर निशाना साधा गया है। सामना के जरिए शिवसेना ने ये बड़ा हमला किया है। सामना में बोला गया है कि मौजूदा सरकार उधारी का माल है, फडणवीस महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करवा देंगे, मराठी मानुष को कमजोर करने का काम करेगी ये सरकार और बीजेपी ने हमेशा शिवसेना का पैर काटने का काम किया है। सीधे तौर पर बीजेपी और शिंदे पर हमला किया गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख के जरिए और साफ तौर पर कहा गया है कि मराठी मानुष को कमजोर करने का काम करेगी ये सरकार और बीजेपी हमेशा शिवसेना का पैर काटने का काम करती रही है। यह आरोप लगाया गया है बीजेपी के ऊपर। फडणवीस पर आरोप लगे हैं कि तीन टुकड़े करेगी नई सरकार, यह आरोप लगाया गया है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, लगातार आप राजनीति पर महाराष्ट्र की नजर रखते हैं, बार बार हमला करने की कोशिश अब सरकार बन गई है, क्या कुछ मायने निकाले जो आरोप लगाए गए? जी देखिए, निश्चित तौर पर आदर्श कह सकते हैं कि शिवसेना की तरफ से जो सामना संपादित है उसमें लगातार जो शिंदे सरकार है उस पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह का भाषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने के बाद जो विधानसभा के सभागृह में दिया था उसको लेकर अब तंज कसने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सामना संपादकीय के जरिए उद्धव ठाकरे करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि जिस आत्मविश्वास के साथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब शिवसेना और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आ गई है, लिहाजा हम दोनों मिलकर करीबन 200 सीटें जो है वो विधानसभा की जीतने का टारगेट जो है रखेंगे, इस पर उसको लेकर सामना में तंज कसा गया है। उन्होंने लिखा है कि ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र नहीं किया जो विपक्ष के लिए थोड़ा फायदे का है कि 288 सीट कहीं वो ना जीत जाए। तो कुल मिलाकर अलग अलग मुद्दों को उठाकर शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे को और फडणवीस को घेरते हुए दिख रहे हैं। जी ठीक रौनक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।